यूपी बीजेपी में खटपट के बीच अखिलेश का ट्वीट। अखिलेश यादव ने किसे दिया मॉनसून ऑफर? सपा ने किया बड़ा सियासी धमाका, किस तरफ किया इशारा? नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप मेरे साथ देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दोस्तों, देश की राजनीति पर दबदबा रखने वाला उत्तर प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के सामने बयानबाजियां हो रही, विपक्ष के हमले और सत्ताधारी दल के नेताओं का पलटवार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदरूनी कलह खुलकर जो सामने आ गई है, जिसको खत्म करने को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं यूपी में इन दिनों बीजेपी में बदलाव की सुगबुगाहट है। कार्य समिति की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अचानक दिल्ली जाने से सूबे का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इन सबके बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। वहीं अब बीजेपी की आपसी खटपट के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता के बीच लगी आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, 100 लाओ सरकार बनाओ, जिसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए ऑफर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर बीजेपी में कोई भी नेता 100 विधायकों का समर्थन जुटा लेता है तो सपा मुख्यमंत्री पद के लिए उसे समर्थन दे सकती है, क्योंकि अगर यूपी विधानसभा के गणित की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस वक्त बीजेपी के 251 विधायकों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 105 विधायक है। अपना दल सोनीलाल 13 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय लोक दल के पास 8 विधायक है। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास 6, तो निषाद पार्टी के पास 5, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2, कांग्रेस के पास 2 और बहुजन समाज पार्टी के पास 1 विधायक है। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के लिए 202 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। वहीं अगर देखा जाए तो पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 विधायक जरूरी होते हैं। ऐसे में किसी भी नेता का भाजपा को तोड़ने के लिए कम से कम 166 विधायकों का एक तरफ आना जरूरी होगा। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के 100 विधायकों के साथ केशव प्रसाद मौर्य अलग गुट बनाकर अखिलेश यादव से मिलते हैं तो फिर वो सरकार बना सकते हैं। हालांकि इस तरह से पाला बदलने वाले विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के ऑफर को तंज के रूप में ही देखा जा रहा है। वहीं अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश भाजपा में लगातार विवाद गहराया हुआ है। बीजेपी को चुनाव में 33 सीटों पर जीत मिली, वहीं समाजवादी पार्टी 33 सीटें जीतकर यूपी की राजनीति में नंबर 1 बनकर उभरी है और इसलिए अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस भी इस समय हाई है। वैसे ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को पहली बार ऑफर दिया है। केशव प्रसाद मौर्य जब जब अपनी पार्टी से नेताओं से नाराजगी जताते हैं तब तब अखिलेश ने उन्हें ऑफर दिए। अखिलेश ने एक बार कहा था कि आज भी 100 विधायक ले आए तो समाजवादी पार्टी उन्हें सरकार बनाने में समर्थन देगी। जब बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर आई तो अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। उन्होंने कहा था कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है और इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। दरअसल अखिलेश के हमले बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हाल ही में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी के नेताओं की कलह खुलकर सामने आई थी। यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद मीटिंग पर मीटिंग्स हुई और पार्टी नेताओं को एकजुट रहने की नसीहत भी दी गई। इन नसीहतों का यूपी के उपचुनाव में कितना फायदा होगा ये भी पता चल ही जाएगा। खैर, आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।